हेलो गाइस, तनास्टेक में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास जो है आ गया है रियलमी का X7 5G। इसमें जो है आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और इसी के साथ आपको जो है 50W का सुपर डार्ट चार्जर भी साथ में आपको मिलता है। तो आज हम करने वाले हैं इसका स्पीड टेस्ट, चार्जिंग स्पीड टेस्ट, यानी हम देखने वाले हैं कि 0 से लेके 100% चार्ज होने तक इसमें कितना टाइम लगता है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है फोन टोटली स्विच ऑफ हो चुका है। यहाँ पर चलिए हम जो है चार्जर को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। चार्ज लगाते ही हमारा फोन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है 1% दिखा रहा है। तो चलिए हम स्टॉप वॉच को भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद हमारे यहाँ पे 9% चार्ज हो चुका है। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पर आपका जो है 40% चार्ज हो चुका है। तो 32 मिनट में लगभग यहाँ पर 71% चार्ज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ 45 मिनट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 89% चार्ज हो चुका है 45 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे 50 मिनट पे लगभग 94% चार्ज हो चुका है इस फोन में।
तो दोस्तों यहाँ पर 58 मिनट लगता है 0 से लेकर 100% तक चार्ज होने के लिए Realme X7 Max को। तो आज हमने आपको बताया इसी Realme Max 5G का जो है बैटरी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।